मारुति वारुति रोड पे खूब दिखती है, पर ये एक ऐसी गाड़ी है जो सबसे यूनिक है और रोड पे बहुत कम दिखती है। हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल, और भाई आज ना मैं आपके लिए इतनी यूनिक गाड़ी लेके आया हूँ ना कि आपने हो सकता है देखी भी ना हो, हो सकता है नाम भी ना जानते हो इसका। तो भाई अपने पास है शेवरोलेट की स्पार्क जो कि है 2010 मॉडल। तो भाई मैं खुद देख के शौक हो गया यार, इतनी छोटी गाड़ी के अंदर इतने सारे फीचर्स, इतनी पुराने मॉडल के अंदर, मतलब कहने वाली बात नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना धीरे धीरे, तो भाई आप भी कहोगे कि हाँ भाई कुछ चीज़ थी शेवरोलेट भी। हालांकि लोग इसको इतना लेना पसंद नहीं करते थे, लोग मारुति वारुति पर ज़्यादा चले जाते थे, पर लेकिन भाई पहले आप इसकी लुक देख लो यार, छोटी सी लगती थी नहीं पर है छोटी गाड़ी, मतलब ऑल्टो वोल्टो के कंपेरिजन की गाड़ी थी शेवरोलेट की स्पार्क। पर लेकिन भाई ये जो लुक है ना इसकी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी भाई आपको शेवरोलेट की स्पार्क के अंदर। भाई वेरिएंट तो मेरे को इसका पता नहीं कौन सा वेरिएंट था, काफ़ी सारे वेरिएंट आते थे उस टाइम पे भी, पर हाँ इतना बता देता हूँ, 1 लीटर का इंजन आता था जो कि 62 BHP निकालता था और 90 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। तो ये देखो पहले लुक देखो, हैलोजन लाइट आती थी, इंडिकेटर हैलोजन, फॉग लैंप नहीं आते भाई इसके अंदर, शेवरोलेट का लोगो। भाई ये जो लोगो था ना इसकी मुझे एक गाड़ी बहुत पसंद थी, वो थी क्रूज़। तो भाई सबकी फेवरेट रहती है, 220-230 तक भाग जाती है वो, पर लेकिन इसका तो कुछ पता नहीं कितनी जाएगी कितनी नहीं। तो चलो यार बाहर से तो मैंने आपको लुक दिखाई दी, वैसे काफ़ी अच्छी हुआ करती थी इस टाइम पे भी। एक बार साइड में देखते हैं, व्हील कैप्स वगैरह की बात करते हैं ना, तो टायर इसके अंदर मिल जाते थे आपको 15-13 इंची के। भाई अल्टो के कॉम्पिटिशन की गाड़ी है यार, इससे बड़ी क्या होगी है ना क्विड वगैरह के अंदर। अगर मैं आपको इसकी बूट ओपन करके दिखाता हूँ ना, तो भाई ये देखो अगर डिग्गी खोलनी है ना तो यहाँ पर आपको बटन मिलता था, इसको प्रेस करा तो हमारी डिग्गी हो जाती है ओपन, और जिसके अंदर अपने को भाई टायर गिरने वाला मेरे को लग रहा है। हाँ ये देखो खुल गई, ये मिलता था भाई 170 लीटर का बूट स्पेस जो कि काफ़ी अच्छा, भाई CNG सिलेंडर रखा हुआ है इसके अंदर, तो ये देखो इतना कुछ स्पेस हैगा। भाई अगर माइलेज की बात करते हो ना तो कंपनी जो क्लेम करती थी 15 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम करती थी इसकी शेवरोलेट की स्पार्क की, और भाई आज के टाइम में भी ना कम से भी कम 12-13-14-15 की तो बड़े प्यार से देगी, CNG सिलेंडर रखा हुआ है इसके अंदर जबकि। तो भाई देख लो अब इस छोटी सी गाड़ी से इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिफ्लेक्टर मिल जाते थे रियर में, टेल लैंप आपको हैलोजन ही मिलती थी, भाई आज के टाइम में ऑल्टो या क्विड विड में भी हैलोजन ही आती है इस टाइम पे, भाई देख लो कितनी बढ़िया आती है। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ ना इसके इंटीरियर में तो आपको मज़ा आएगा भाई, यहाँ पर काले कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं अपने को, ये करा हमने डोर ओपन, और भाई पीच कलर का इंटीरियर ब्लैक कलर के साथ, फ्रंट की दोनों पावर विंडो ब्लैक कलर का डोर ओपनर, बोतल होल्डर स्पेस, सीट कुछ इस टाइप की थी, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते थे, हाइट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट नहीं होती भाई ये आगे पीछे करने का है। अगर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ ना इसके अंदर, एक मिनट मैं पीछे कर लूँ जरा इसकी सीट, तो भाई ये कुछ अपने को इंटीरियर मिलता था शेवरोलेट की स्पार्क का, तो भाई काफ़ी प्रीमियम है इसका। पता मीटर सेंटर में दे रखा है इधर की बजाय ना इधर दे रखा है, ये देखो मीटर में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले स्पेस देखो, यहाँ पे स्पेस हो गया, AC वेंट हो गए, लाइट के कंट्रोल सॉरी वाइपर के कंट्रोल है, और लाइट के इधर उल्टे दे रखे हैं इसके अंदर, इंडिकेटर है उल्टा है। अच्छा इंडिकेटर उल्टा, भाई नहीं तो ना नॉर्मल गाड़ियों में इंडिकेटर इधर की साइड होता है, पर इसमें इधर दे रखा है क्योंकि भाई शेवरोलेट की गाड़ी है यार, कुछ तो उल्टा मिलेगा। IRVM आपको इस टाइप का मिलता है डे नाइट वाला, देख लो भाई इतने टाइम पहले भी डे नाइट वाला IRVM दे देते, इस पर भी कुछ नहीं है मिरर वगैरह, इस वाले पे मिरर मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं भाई मेन मीटर की, अगर मैं इसकी चाबी ऑन करता हूँ ना कि इसके अंदर भाई कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह तो आती नहीं थी, नॉर्मल सी इस टाइप की आती थी, इसको मैंने लगाया इधर और ये करा भाई इसको ऑन, और ये होता है भाई मीटर ऑन अपना, जिसके अंदर 180 तक स्पीड लिमिट, टाइम बताता है कितने किलोमीटर चल चुकी है भाई, 89,000 किलोमीटर चल चुकी है पूरी की पूरी, 90,000 ही मान लो भाई, क्या ही रिस्पॉन्स करते हो कि यहाँ से अपनी ट्रिप वगैरह रीसेट कर सकते थे। सीट बेल्ट वार्निंग तो जैसे ही नहीं मिलते आपको, गियर वगैरह का दिख जाता है पार्किंग मोड, और यहाँ पर अगर बात करते हो तो स्क्रीन टच वगैरह तो कुछ भी नहीं आता था, ये आता था भाई स्टीरियो रेडियो वगैरह चला सकते हो, AC इवेंट इस टाइप के, यहाँ पर मिल जाता था आपको ग्लव बॉक्स जिसके अंदर इतना कुछ स्पेस मिल जाता, फ्रंट में पावर विंडो दे रखी थी यार और क्या चाहिए। और आप सोच रहे हो कि डंडी क्या है, तो भाई इससे हम ना अपने IORVM एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इसको हिलाएंगे ना तो ये एडजस्ट हो जाते हैं, कितना अच्छा फीचर था। गियर आते थे भाई 5, और ये जिसकी कार है ना मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ एक बार, तो इनकी गाड़ी कैसे हो भैया? बस बढ़िया। तो आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। देख लो भाई इतनी पुरानी होने के बाद ही ना मज़ा आ रहा है, क्योंकि शेवरोलेट एक ऐसी कंपनी है परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है इस गाड़ी की। तो अंकल परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको? देखिए हम तो जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, और हमारे कस्टमर भी जो गाड़ी सिखाते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे कहते हैं कि हाँ इस गाड़ी का कंडीशन या चलने की हर चीज़ अच्छा, बहुत अच्छे है, और लोगों को अच्छी पसंद भी है। अच्छा पसंद है। तो भाई किसको पसंद नहीं होती शेवरोलेट की गाड़ी यार, मारुति वारुति रोड पे खूब दिखती है, पर ये एक ऐसी गाड़ी है जो सबसे यूनिक है और
रोड पे बहुत कम दिखती है। तो यार फ्रंट में तो मैंने आपको दिखा दिया, स्पीकर भी आ जाते हैं देखो यहाँ पे, डोर पे नहीं है हालांकि यहाँ पे दे रखे है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी पीछे की साइड और फिर दिखाता हूँ पीछे क्या कुछ स्पेस मिलता है अपने को खास। और भाई ये आता था इसके अंदर डंडी वाला सिस्टम, इसको लॉक अनलॉक कर सकते थे हम। जैसे हमने इसको अनलॉक करी ऑटोमेटिक लॉक, अच्छा ऑटोमेटिक है, जैसे चाबी ऑफ करेंगे ना तो ये अपने आप लॉक अनलॉक हो जाती है। होता भाई ये सिस्टम आजकल भी आता पर लेकिन इतनी पुरानी में भी दे रखा था। भाई ये कुछ मिलता है पीछे का डोर जिसके अंदर हाथ से एडजस्ट करनी पड़ती है विंडो अपनी ऊपर नीचे, डोर अपना ब्लैक कलर में, यहाँ से लॉक हो गया ब्लैक कलर का। और भाई ये देखो अल्टो तो भाई नाम नाम किया है इसका, स्पेस देखो ना जरा, मैंने फुल पीछे कर रखी है भाई और उसके बाद भी इतना कुछ स्पेस मिल रहा है मेरे को इसके अंदर। ये तो अपना विंडो के लोग हैं तो ठीक है यार, इतना तो बनता है, 4 लाख की गाड़ी थी तो इतना कुछ तो मिले गई। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते पर हाँ ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। भाई सच्ची सच्ची बताऊँ ना तो अल्टो से ज़्यादा फील आ रही है मेरे को इसके अंदर। अगर आप अल्टो में बैठे हो ना तो इसमें बैठ के देखना भाई, उससे ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी लग रही है ये मेरे को 4 लाख 5 लाख के बजट में। एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है पर लेकिन हाँ बढ़िया भाई, स्पेस देख लो, मैंने फुल पीछे कर रखी है सीट तब भी इतना स्पेस मिल रहा है मेरे को। और हालांकि प्रीमियमनेस तो है ही थोड़ी बहुत जिस हिसाब की गाड़ी है यार, इतने महंगे पैसे भी नहीं खर्च कर रहे आप तो इस हिसाब से ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना भाई मेन इंजन की तो इसके अंदर मिलता है आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 62 BHP निकालता है और 90 Nm के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जिस टाइम पे गाड़ी थी उस टाइम पे आपको 4 से 5 लाख के बजट में आराम से प्राप्त हो जाती थी चेवरोलेट की स्पार्क। तो भाई अगर हम इंजन की बात करते हैं ना तो इंजन खुल गया, पर आपको इंजन भी दिखाई देता हूँ मैं। ये कुछ इंजन मिलता था भाई अपने को जो कि 1000 cc का है। स्पेस वगैरह तो है नहीं खैर इसके अंदर इतना, और आप बैटरी वगैरह देख सकते हो आप। ये कंडीशन है भाई 90,000 चलने के बाद शेवरोलेट की स्पार्क की। और अगर सर्विस वगैरह में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है इसकी? जैसे सर्विस पूरे अगर कराओ तो 5-6 हज़ार में भाई, इतने तो ठीक है नॉर्मल गाड़ी के लिए ठीक ही रहता है। तो यार यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।